जनपद श्रावस्ती गिलोला ब्लॉक के रामनगरा गांव के किनारे राप्ती नदी में बांध न होने के कारण विश्वनाथ सहित 1000 परिवार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं रईस अहमद, ये मेरा समुदाय। दादा, ये नदी कब से कटान कर रही है? ये नदी कम से कम 300 साल से कटान कर रहा है। कभी इधर चली जाती वो उधर तरफ वहाँ और फिर इधर आती है, कम से कम चौथा चक्कर यहाँ आए। ये नदी आपके गांव से कितनी दूरी पर बच रहा है अपने आपका गांव? अरे आपका तीतू ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 फीट हुई। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? राय है, हम लोग चिंतित हैं, अगर कुछ सरकारी मदद मिलकर बांध वांध बन जाए तो शायद गांव बच जाए। आप कहाँ जा रहे हैं? जिनका जा रहे हैं जिलाधिकारी नोटिफिकेशन दे, उनसे आप क्या कहेंगे? हमारे गाँव कटा जाते साहब, एक रुकवाओ कोने में। हम लोग गए खड़े रहे इकट्ठा, फिर 150 आदमी, डीएम साहब बाद में निकले और सीधे अपना चले गए। जी, हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें कुछ ठोकर होकर अंदर को बांध दिया जाए। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये पुल के पास नदी कट रही थी, फिर उन लोगों ने पत्थर वत्थर डाला, नहीं रुकी, तो आगे जाके तिलकपुर का एक रास्ता गया है, वहीं पे तीन ऐसे ऐसे करके अंदर को ठोकर बांध दिए गए, इससे वहाँ कटान रुक गई। ऐसी ही कोई यहाँ व्यवस्था कर दी जाए ताकि कटान ना हो, बस इसी से हमारी कटान रुक जाएगी। 13/8/13 को, 26/8/13 को, 4/9/13 को, इसके विषय में यहाँ डीएम जो थे इससे पहले भानचंद गोस्वामी, उनको लिखित ज्ञापन हमने दिया है, पेपर में भी आया था, लेकिन इस विषय में ना कोई मतलब कार्यवाही हुई है, ना कुछ अभी देखने में आ रहा है। सर, आज हम लोग डीएम साहब के पास ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, आज डेट है 27/6/2014, और अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, मतलब मरने की भी स्थिति में अगर कुछ हुआ तो भी करके, और ये काम जरूर करवाया जाएगा। मैं और मेरा समुदाय चाहती है कि नदी के किनारे बांध बांधी जाए ताकि 1000 परिवार के लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। मैं सभी वीडियो देखने वालों से अनुरोध करता हूं कि यह डीएम का नंबर है 94-54-41-75-38 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।